राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको राजस्थान के बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल की जानकारी दी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको राजस्थान के अरब सागरीय अपवाह तंत्र या प्रणाली अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान की जानकारी दूंगी। अरावली के पश्चिमी ढालों व दक्षिणी पश्चिमी ढालों से निकलने वाली नदियां तथा मध्य प्रदेश से उद्गम के पश्चात दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली माही नदी, कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं व इस प्रकार ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इसीलिए इन नदियों को राजस्थान की अरब सागरीय अपवाह प्रणाली की नदियाँ कहा जाता है। राजस्थान के अरब सागरीय अपवाह तंत्र या प्रणाली की प्रमुख नदियाँ हैं लूनी व इसकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज जैसे जवाई, खारी, बांडी आदि, माही नदी व इसकी सहायक नदियाँ जैसे सोम, जाखम आदि, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास आदि। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसे लवणवती भी कहा जाता है। लूनी नदी तंत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जल का न केवल प्रमुख स्रोत है अपितु यह थार मरुस्थल के पूर्व दिशा में प्रसार में प्राकृतिक बाधा नेचुरल बैरियर भी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों से होता है। बेसिकली लूनी नदी का उद्गम पुष्कर के निकट दो नदियों सागरमती व सरस्वती या सुरस्वती से होता है। पुष्कर के गोविंदगढ़ में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, जिसके बाद इन्हें सम्मिलित रूप से लूनी के नाम से जाना जाता है। आगे लूनी नदी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में लगभग 495 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है तथा गुजरात में प्रवेश करके कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि लूनी नदी का जल बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा है तथा इसके आगे यह नमकीन या खारा सैलाइन हो जाता है। इसका कारण थार मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का लवणीय व क्षारीय सैलाइन एंड एल्केलाइन होना है, जिससे लूनी नदी के जल में लवणीय व क्षारीय पदार्थों की अधिकता हो जाने से इसका जल नमकीन या खारा सैलाइन हो जाता है। लूनी नदी बेसिन राज्य में अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों में विस्तृत है। लूनी नदी बेसिन लगभग 37,300
363 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज जवाई, जोजरी, खारी, बांडी, गुहिया, मीठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, खारी, रेडिया आदि हैं। लूनी नदी की सहायक नदियाँ मुख्यतः इसके बाएं किनारे या पूर्वी किनारे से इसमें मिलती हैं। लूनी व इसकी सहायक नदियाँ वर्षा आधारित मौसमी नदियाँ रेन फेड सीजनल रिवर्स हैं। अधिक वर्षा होने में इनका जल दूर दूर तक फैल जाता है तथा कभी कभी बाढ़ सी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है। जवाई नदी का उद्गम उदयपुर पाली जिलों की सीमा के निकट की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पाली व जालौर जिलों में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई लगभग 145 किलोमीटर है। जालौर में खारी नदी जवाई नदी में मिलती है, जिसका उद्गम सिरोही जिले से होता है। पाली जिले में सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण किया गया है। स्लाइड में आप राजस्थान में लूनी एवं इसकी सहायक नदियों के उद्गम एवं प्रवाह को देख सकते हैं। लूनी नदी राजस्थान में बहने के पश्चात अंत में गुजरात में प्रवेश करके कच्छ के रण में पहुंचती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले की विंध्यन पर्वत श्रेणियों से होता है। उद्गम के पश्चात माही नदी उत्तर दिशा में बहती हुई बांसवाड़ा जिले के खादू गांव के समीप से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में माही नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती हुई लगभग 174 किलोमीटर की लंबाई में उल्टे यू आकार इन्वर्टेड यू शेप में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है तथा खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कैम्बे में समाहित होती है। इस प्रकार माही नदी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। मध्य प्रदेश से उद्गम से लेकर खंबात की खाड़ी में गिरने तक माही नदी की कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इरू, लाखन आदि हैं। माही नदी का अपवाह बेसिन ड्रेनेज बेसिन मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात राज्यों में लगभग 34,842 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें से लगभग 16,453 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो कि माही नदी के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 47% है। राजस्थान राज्य में
विस्तृत है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी बेसिन विस्तृत है। राजस्थान में माही नदी बेसिन छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध व कागदी पिकअप डैम बनाया गया है। इसी प्रकार गुजरात में कड़ाना डैम का निर्माण किया गया है। इन नदी घाटी परियोजनाओं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई पेयजल उपलब्ध कराना है तथा जल विद्युत उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ तथा प्रतापगढ़ एवं निकटवर्ती क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। इसीलिए माही नदी को वागड़ और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर के ऋषभदेव की बीछामेड़ा पहाड़ियों से होता है। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर के वेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 155 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जाखम, गोमती आदि हैं। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से होता है। यह प्रतापगढ़ व उदयपुर से बहती हुई डूंगरपुर के वेणेश्वर में सोम नदी में मिल जाती है। डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम में माही, सोम व जाखम नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहाँ आदिवासी डामोरों का बहुत बड़ा मेला भरता है। मैप में आप राजस्थान में माही, सोम व जाखम नदियों के प्रवाह क्षेत्र को देख सकते हैं। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम दक्षिणी सिरोही में अरावली के पश्चिमी ढालों से होता है। यह नदी सिरोही जिले में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 78 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है, जहां यह लिटिल रन ऑफ कच्छ में कहीं लुप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सीपू है। पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही जिले के स्वरूपगंज में धानारी बांध का निर्माण किया गया है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले के झाड़ौल की अरावली पहाड़ियों से धाराओं के रूप में होता है। उदयपुर डूंगरपुर जिलों से प्रवाहित होकर आगे यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। साबरमती नदी गुजरात की प्रमुख नदियों में से एक है तथा गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। साबरमती नदी गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंत में खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। साबरमती नदी की कुल लंबाई लगभग
371 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 48 किलोमीटर का प्रवाह राजस्थान राज्य में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, बेतरक आदि हैं। राजस्थान में साबरमती नदी बेसिन का विस्तार लगभग 4,164 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। मैप में आप राजस्थान में पश्चिमी बनास नदी व साबरमती नदी के प्रवाह को देख सकते हैं।